पिरामस और थिस्बे की लव स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। पिरामस और थिस्बे एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों के परिवार के बीच दुश्मनी के कारण ये दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। जब ये दोनों बड़े होने लगे तब इन दोनों के बीच प्यार भी धीरे धीरे बढ़ता गया। इन दोनों का घर एक दीवार के सहारे अलग थे, लेकिन प्यार अपनी तरीके से रास्ता बना ही लेता है। एक दिन ये दोनों उस दीवार के बीच एक छेद ढूंढ निकालते हैं। उस दिन के बाद से ये दोनों इस छेद के सहारे एक दूसरे को देखते थे और बातें किया करते थे। एक दिन पिरामस थिस्बे से कहता है कि उनका परिवार उनके इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें इस जगह को छोड़ के भाग जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के सामने मिलने का वादा करते हैं। जिस नदी किनारे उन दोनों को मिलना था वहाँ पे थिस्बे पहले पहुँचते हैं और पिरामस के लिए इंतजार करते हैं। उसी नदी किनारे एक शेर पानी पी रहा था। वो उस समय शिकार करके आया होता है, जिसके वजह से उसके पंजे पे खून लगा होता है। थिस्बे जब उस शेर को देखती है तो वहाँ से भागने लगती है, जिसके दौरान थिस्बे का स्कार्फ नीचे गिर जाती है। क्योंकि शेर उस समय शिकार करके आया होता है, इसलिए वो थिस्बे के पास नहीं जाता। वो उस कार्क के पास जाकर उससे खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उस कार्क को वही छोड़कर चला जाता है। उसी दौरान पिरामस उस नदी के किनारे आ जाता है। पिरामस जब उस कार्क को देखता है तो वो रोने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि किसी शेर ने थिस्बे को मार डाला है। पिरामस बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उस नदी किनारे मिलने का फैसला उसका ही था। इस गम में आकर पिरामस अपने तलवार को निकाल के अपने दिल में घुसा देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। कुछ देर बाद थिस्बे जब वहाँ पे आती है तो वो देखती है पिरामस मरा पड़ा हुआ है। जब वो पिरामस के नज़दीक जाती है तो वो उसके स्कार्फ को पिरामस के हाथों पे देखती है। थिस्बे समझ जाती है वहाँ पे क्या हुआ था। तब थिस्बे वही तलवार उठाती है और खुद की जान दे देती है। पिरामस और थिस्बे के खून एक पेड़ में जाने के कारण उस पेड़ के फलों का रंग लाल हो गया। आज हम इस फल को मुलबेरी के नाम से पहचानते हैं। पिरामस और थिस्बे को ढूंढते हुए उनका परिवार उस नदी के किनारे आते हैं, जहाँ पे वो उन दोनों को मृत पाते हैं। उसके बाद वे फैसला लेते हैं पिरामस और थिस्बे को एक साथ ही दफन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल मिथिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ।